दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत NRLM विषयक एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया। इसमें मुख्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में CDO ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समूह के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की कवायद की गई थी, जिसे जिले को उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि समूह द्वारा इस तरह के उद्योग स्थापित किए जाएं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलने के साथ ही जिले का भी नाम रोशन हो सके। आगे बढ़ाने में SGSY का बहुत बड़ा योगदान रहा है। औरंगाबाद गांव में जो है SGSY के थे, लेकिन NRLM में अभी तक इस जनपद में एक भी सक्सेस स्टोरी कहने को नहीं है। और इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन कहीं पे कोई अगर एक सक्सेस स्टोरी ऐसे बताए, हाँ साहब ये पता एक विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 10 समूह हैं और इसमें लगभग 150 महिलाएं हैं और वो एक साथ मिलके यहाँ पे 150 महिलाएं एक सिलाई सेंटर चलाती हैं और इस पूरे गोरखपुर मंडल का सबसे बढ़िया सिलाई सेंटर यही है। RCP से ट्रेनिंग हुई है इनकी, ये अब आगे भी 10-10 महिलाओं को ट्रेनिंग देते रहती हैं, अपने में सिमुलेट करते रहती हैं, तो वो एक सक्सेस स्टोरी होता है। मैंने इसके पहले एक सजेशन भी दिया था, मैंने कुछ बैंकों को लिखा भी था कि आप फॉलोअप कीजिए, कुछ बैंक तैयार भी थे कि आपकी जो महिलाएं जो RCT में ट्रेनिंग लेती हैं सिलाई की 35-40 के बैचेज में, उनको क्यों नहीं आपके यहाँ पे आपके पास में NRLM का एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक DRDA की बिल्डिंग बनी हुई है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, बीच शहर में है। मैंने कहा था आप वहाँ पे अपना सिलाई केंद्र खोल दीजिए, 35-40-50 महिलाओं को वहाँ पे आप जगह दे दीजिए आइए। और उसके अलावा मुझे लगता है अगर आपने बढ़िया काम किया तो उसके बाद बाकी एज अ कमर्शियल एंटिटी भी आप लोग वहाँ पे काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ पे जो NRLM जो सरस बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है उसका प्रयोजन ही वही है। लेकिन उस सरस बिल्डिंग में आज की यह हालत है कि वहाँ पे दो ऑफिसर्स की अपने उन्होंने अपने कार्यालय खोल रखे हैं, तो उसका उपयोग नहीं हो रहा नीचे बिना किसी मतलब के। तो इन सब चीजों को खोजिए, तलाशिए और उसको वापस से पुनर्जीवित कीजिए कि आप और आप लोग अधिकांश फील्ड में देखने चाहिए। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आपने से कोई भी व्यक्ति अगर आप सक्सेस स्टोरी बना के लेके आते हैं कि साहब हमारी महिलाएं इनको बस इतनी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो इतना बढ़िया सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट में। तो मुख्यमंत्री से सम्मानित भी करवाऊंगा, क्योंकि सर का भी यही है, CM सर का, कि कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरी इस जनपद में क्रिएट हो, जिसमें अभी तक ना ही मैं सक्सेसफुल हो पाया हूँ ना ही हमारी टीम सक्सेसफुल हो पाई है। तो चलो तो आप बिल्कुल मतलब ये मीटिंग सब आप रेगुलर करवाइए, क्या काम हुआ, मैं आप ये काम मैं करवा के दिखाऊंगा और उसके पीछे आप साथ में दौड़िए। लेकिन सक्सेसफुल एक दिन में नहीं बन जाता है, एक दिन में नहीं होगा कि आप बिल्कुल जाके एकदम बात करेंगे एम से कि भैया हम एक कैंडिडेट हो गए, एक बड़ा काम हो जाएगा। इस तरीके से फॉलो अप कीजिए साल भर 2 साल, तो सक्सेस स्टोरी क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने लक्ष्य पे लगे निश्चित सर आप।